हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम। आज हम आंवले का मुरब्बा बनाएंगे। एग्रीकल्चर के अंदर अपने को ये बनाना होता है, तो 12th क्लास की हेल्प से हम आंवले का मुरब्बा बना रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट्स मिल करके आंवले के अंदर प्रिंक यानी छेद कर रहे हैं। सबसे पहले हमने आंवले लिए हैं और उनको दो बार अच्छे से वॉश किया है और फिर इन्हें पोंछ लिया है और अब इनके अंदर हम छेद कर रहे हैं चाकू की हेल्प से। आंवलों को वॉश करने के बाद हमें इनको अच्छे से ड्राई करना है, अदरवाइज़ हमारा जो मुरब्बा होगा उसके अंदर फंगस यानी फफूंद लग सकती है और आसानी से हम इसके अंदर छेद कर लेंगे ताकि जो शुगर रहेगी वो इसके अंदर चली जाएगी। और सभी आंवलों को हम इस तरह से लेंगे और उनके अंदर छेद करेंगे। फोक का यूज़ ले सकते हैं और काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स। तो सबको मिलजुल के आंवले का मुरब्बा तैयार करना है। तो देख पा रहे हैं इस तरह से हर एक आंवला में इस तरह से हम छेद कर देंगे और फिर हम गैस को ऑन करेंगे और पानी को बॉईल होने देंगे। तो थोड़े टाइम बाद ये उबाल आ जाएगा इसमें, फिर हम इसके अंदर आंवलों को डाल देंगे इस तरह से और इनको उबलने देंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से ये गल जाए। हमने छोटा कंटेनर ले लिया है ताकि जल्दी से अपना बॉइलिंग का काम पूरा हो जाए। तो देख पा रहे हैं आंवले अच्छे से बॉईल हो रहे हैं और एक आंवला हम बाहर निकाल करके अगर चेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सॉफ्ट हो गए हैं और फिर हम जो है इनको बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से देख पा रहे हैं आराम से इनमें चाकू जा रहा है, यानी ये अच्छे से मुलायम हो गए हैं। तो चाकू से इनको बाहर निकाल रहे हैं और फिर चाशनी के अंदर हम इनको बॉईल कर रहे हैं। हमने शुगर ली है और आधा कप हमने इसके अंदर पानी डाला था और फिर हम इसको इस तरह से बॉईल कर रहे हैं। तो जो आंवले है उनके अंदर का जो रस है वो बाहर आ रहा है, तो चाशनी जो है डाइल्यूट हो गई है। तो हम इसको पकाएंगे जब तक कि जो ये चाशनी है वो एक तार की नहीं बन जाए। और ये हमारे पास मसाले हैं, इनको हम अपने स्वाद के अनुसार यूज़ में लेंगे। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इसमें से काली मिर्ची काम में लेंगे और इलायची भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे और आप अपनी पसंद के हिसाब से मसाले इसमें डाल सकते हैं। मोटर पेस्टल की हेल्प से आप इसका पाउडर बना करके इसमें मिलाएंगे। देख पा रहे हैं हर एक स्टूडेंट्स वन बाय वन आ करके इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। तो इस तरह से हम जो है बॉईल कर रहे हैं और एक तार की चाशनी हम बनाना चाह रहे हैं और इस तरह से मैम जो है चेक करके देख रहे हैं कि चाशनी बनी है या नहीं। तो अभी टाइम और लगेगा और इसको शेक भी करते रहना है और काफ़ी देर हो गई है। अब हम इसके अंदर साल्ट मिला रहे हैं, काला नमक एक चम्मच के करीब, और इसके अंदर हम ब्लैक पेपर यानी काली मिर्ची का पाउडर भी आधा चम्मच के करीब मिलाएंगे और इलायची पाउडर भी हम इसके अंदर एक चम्मच मिलाएंगे ताकि काफ़ी ये बेनिफिशियरी रहते हैं और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करते हैं मसाले। तो ये आंवले का मुरब्बा अपना बन के तैयार हो गया है। आंवले काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और चाशनी भी गाढ़ी हो गई है। ज़्यादा अगर पतली चाशनी रखते हैं तो मुरब्बा जल्दी ख़राब हो जाता है। देख पा रहे हैं इसके अंदर हमारे मसाले साफ़ साफ़ दिखाई दे रहे हैं और अगर चाशनी हम गाढ़ी रखते हैं तो
मुरब्बा अच्छा नहीं दिखेगा। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर था। और अब जो है हम इसको कांच के जार में भर लेते हैं, तो काफ़ी ये सुंदर दिखाई दे रहा है। और चाशनी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ये अपना जो मुरब्बा है बनके तैयार हो गया है। अब इसको आप घर पे बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, और घर वालों को भी इसको बना करके खिलाना है, टेस्ट कराना है। सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं चाहिए, और मेथड भी इजी है, और काफ़ी ये बेनिफिशियरी भी रहता है।